हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नम्रता, नम्रता कुकिंग डायरी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपसे ब्रेड्स बना बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सारी सब्जियाँ यूज़ करेंगे, तो बहुत ही हेल्दी होगा ये, तो ट्राई ज़रूर करें रेसिपी को। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 6 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। इसे हम पहले तोड़ करके मिक्सी का जार में डाल देंगे। तो सारे ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े करके हम डाल देते हैं जार में। आप इसे चाहें तो डायरेक्ट थोड़ा पानी डाल करके रख सकते हैं ताकि अच्छे से फूल जाए, या फिर आप पीस करके भी ले सकते हैं इसको। तो सारे हमने डाल करके पीस लिए हैं, हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कुछ सब्जियाँ। तो हमने पहले लिया है एक प्याज, जिसको हमने बहुत बारीक काट लिया है, और लिया है हमने आधा गाजर, इसको हमने ग्रेट कर लिया है गाजर को। और हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो एक छोटा साइज के टमाटर को हमने बारीक काट करके ले लिया है। सब्जी आप अपने पसंद का कोई और भी ले सकते हैं। अदरक डाल देंगे आधा इंच ग्रेट किया हुआ, और हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरा कटा हुआ धनिया। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के जगह आप हरी मिर्च या मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। चाट मसाला 1 छोटी चम्मच। पहले इन सबको ब्रेड में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, सारे हमने मिक्स कर लिए हैं और थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार कर लिया है हमने। तो हम इसका छोटा छोटा टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गोल शेप का टिक्की बना रहे हैं, आप अपने पसंद का कोई और शेप का बना सकते हैं। तो सारे टिक्की बना करके हम रख लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए, सारे टिक्की हमने बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो जितना हमने टिक्की बना करके रखा है तेल में डाल देंगे। तो सारे टिक्की को हम डाल देते हैं तेल में, और इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं अंदर की तरफ से। ये देखिए, लगभग 2-3 मिनट हमने पका लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है इस पर। तो सारे टिक्की को हम पलट देंगे। और इस तरफ से भी हम 2-3 मिनट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो दोनों तरफ से ये अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। तो हम इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं। तो हमारा बहुत ही टेस्टी ब्रेड का नाश्ता बनके तैयार है। इसे आप हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें रेसिपी को, और रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।